आज परम आराध्य परम पूज गुरुदेव स्वरूपलीन सदगुरु अभिलाष साहेब जी की पुण्यतिथि है, निर्वाण दिवस है। चूँकि आज ही के दिन 26 सितंबर को 2012 में प्रातःकाल के बेला में वे अपने नश्वर शरीर का त्याग कर सदा सदा के लिए अपने स्वरूप में लीन हो गए। ऐसे महानतम संत जब इस धरा से विदा होते हैं तो वो इस तरह विदा होते हैं जैसे वे कभी इसमें थे ही नहीं। शरीर में इस भांति रहते हैं जैसे मात्र एक सराय में उनका रहना हुआ, एक किराए के घर में। जीते जी रहते रहते सारी वासनाओं को, सारी आसक्ति को वो जला देते हैं। सारे संबंधों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। सबको अपना मानते हुए भी किसी में उनको कोई राग नहीं होता, किसी से कोई द्वेष नहीं होता। ऐसे महानतम संत, ऐसे महानतम साधक की विदाई भी एक अद्भुत विदाई होती है। हम लोग ये तो देखते हैं कि आज उन्होंने शरीर का त्याग किया है, पर सत्य यह है कि वे शरीर का त्याग बहुत पहले ही कर चुके होते हैं। उस शरीर में मौजूद जरूर होते हैं, लेकिन उस शरीर के प्रति जो आसक्ति हो सकती है, शरीर के प्रति जो राग हो सकता है, उसे वो कब के ख़त्म कर चुके होते हैं। उस शरीर का मात्र साधन समझ के प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सिद्ध, ऐसे महानतम साधक सदगुरु देव आज ही अपने महायात्रा पर निकले थे, आज ही वे निर्वाण को प्राप्त हुए थे। और निर्वाण को प्राप्त हुए थे आज के ही दिन, ये कहना भी उचित न होगा, क्योंकि निर्वाण तो वो जीते जी कब के प्राप्त कर चुके थे, मुक्ति तो वो कब के प्राप्त कर चुके थे। आज तो सिर्फ जो एक प्राकृतिक व्यवस्था में शरीर की विदाई हुई, एक औपचारिकता मात्र हुई कि चलो जिस शरीर को हमने पहले ही छोड़ रखा है, जिस आसक्ति से हम पहले ही बहुत ऊपर उठ चुके हैं, आज उस शरीर को भी, आज हमने उस प्रकृति के उपहार को भी त्याग दिया, अब हमें उसकी आवश्यकता ना रही। चूँकि ये शरीर मिलता ही है साधन के रूप में, ये शरीर हमें अस्थाई नहीं मिलता। इस धरती पर जो भी आए हैं, चाहे वो चोर हो चाहे साधु हो, चाहे वो दरिद्र हो चाहे वो सम्राट हो, शरीर सबको सीमित समय के लिए ही मिला है। लेकिन उस सीमित समय में किसी ने इस शरीर में भयंकर दाग लगा लगा करके इसे और ज़्यादा नरक बना दिया, किसी ने इस शरीर से भौतिक उपलब्धियां पा करके बाहर के शास्त्रों में कुछ क्षण के लिए अपना नाम अंकित कर गया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझने की चेष्टा करते हैं कि संसार में हमारा आना, उसमें भी मनुष्य शरीर में आना, ये साधारण बात नहीं है, ये स्वाभाविक तो नहीं है। यह एक ऐसा अद्भुत अवसर है, यह ऐसा अद्भुत संयोग है जो न जाने कितने जन्मों, कितने खानियों में भटकने के बाद प्राप्त हुआ है। और आज जब हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हम इसे यूं ही गंवाए चले जा रहे हैं। हम वो सारी व्यवस्थाएं करने में लगे हैं जिससे हम सिर्फ संसार इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हम सिर्फ भौतिक उपलब्धियों को इकट्ठा कर सकते हैं। हम वो काम ही नहीं करते जिसके लिए हमें सत्य में ये शरीर मिला है। ऐसे महानतम संत अपने जीवन से ये सीख देते हैं कि शरीर मिला है तो ऐसा उपयोग करो कि इसी शरीर में रह करके वो तप, वो साधना अर्जित कर लो कि पुनः शरीर धारण ना करना पड़े, कि पुनः गर्भवास में आना ना पड़े, कि पुनः संसार में आना ना पड़े। और ये साधना, ये तपस्या के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। भौतिक उपलब्धियाँ तो मात्र सुविधाओं के लिए है। भौतिक साधन संसाधन जो कुछ भी है वो तो सिर्फ हमारे जीवन को
व्यवस्थित करने के लिए है, सुगम करने के लिए है, हमारे बाहरी भौतिक जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए है। लेकिन असली जो हमारी मनःदशा है, मनःस्थिति है, जो निरंतर व्याकुलता में बीतता है, निरंतर चिड़चिड़ापन में बीतता है, निरंतर उद्वेग में बीतता है, उसकी शांति के लिए ध्यान की आवश्यकता है, धर्म सत्संग योग की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है, और वो हम कभी करते नहीं हैं। ये शरीर मिला ही इन्हीं कार्यों के लिए है। शरीर साधन है और हम साधन को ही मंजिल समझ करके सारी तैयारी हम उसी के लिए करते हैं, सारी व्यवस्था हम उसी के लिए करते हैं। लेकिन ऐसे संत जब इस धारा में होते हैं तो वो जाते जाते ये सीख दे कर जाते हैं, रहते रहते तो सीख देते ही हैं, जाते जाते भी इस तरह से सीख दे कर जाते हैं जैसे सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था। सब कुछ दिख रहा है लेकिन उसमें रहते हुए वो कमल पत्र की तरह हैं, कमल पत्र हैं संतजन रहे जगत के माँ। साहब ने कहा है कि अन्य लोग भी इसी संसार में रहते हैं, वे भी खाते हैं, पीते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, सारा काम करते हैं। संत भी इसी संसार में है जो बाकी संत हैं। संत के खोल में तो बहुत लोग घूम रहे हैं, संत के खोल में बहुत से लोग रावण भी घुस आए हैं, लेकिन यहाँ साहब सच्चे संत की बात कर रहे हैं कि वो संत जो वाकई में अंदर बाहर संत है, जो बाहर से ही नहीं भीतर से भी संत है, तो ऐसे संत जब इस जगत में रहते हैं तो कमल की भांति रहते हैं, खाते हुए भी हैं अनासक्ति पूर्वक, मकान में वे भी रहते हैं किराए का समझकर, लोगों से व्यवहार वे भी करते हैं लेकिन उसमें उनका भाव क्या होता है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। उनका ये भाव होता है कि ना कुछ लेना है ना देना है, मगन रहना है, अर्थात ना लेने का भाव है ना देने की कोई आसक्ति वासना या दबाव है, सहज जो प्रवाहित हो रहा है, सहज जो समर्पित हो रहा है, दिए जा रहे हैं, दे रहे हैं, ये भाव मन में नहीं है, किसी को हमने कुछ दिया है ये घमंड मन में नहीं। साहब ने कहा है ना, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वे कहते हैं कि मैं तो बाजार में खड़ा हूँ, चौक चौराहे में खड़ा हूँ, लोगों के बीच खड़ा हूँ, सबकी खैरियत चाहता हूँ, सबकी शुभकामना करता हूँ, सबके लिए मंगल भावना करता हूँ, लेकिन ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, कोई चाह नहीं। तो जो सच्चे संत होते हैं वो जगत में इसी भांति रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, सबके प्रति सुख का भाव है लेकिन बैर का भाव किसी के प्रति नहीं, सबके जीवन की मंगल कामना करते हैं लेकिन आसक्ति किसी में नहीं करते, प्रेम सबसे रखते हैं लेकिन मोह किसी से नहीं करते। और ऐसे संत जगत में जीते जी मोक्ष दशा को उपलब्ध हो जाते हैं। मोक्ष कोई बाहरी लोक नहीं है, मोक्ष कोई बाहर अंतरिक्ष में आकाश में स्थित कोई जगह नहीं है, ये हमारे भीतर की अवस्था है, ये हमारे जीवन की स्थिति है कि हम जब मोह से मुक्त होते हैं, हम विकारों से मुक्त होते हैं, हम आसक्ति से मुक्त होते हैं, वो अवस्था मोक्ष की अवस्था होती है। जब हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि तमाम विषयों से मुक्त हो जाते हैं, जब हम मन बुद्धि चित अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, जब हम संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व की उपस्थिति बचती है, मैं हूँ ये भाव भी मिट जाता है, वो अवस्था मुक्ति की अवस्था है। और ऐसे सदगुरु ऐसे महान संत जीते जी इस अवस्था में होते हैं और यही सीख वो संसार को देते हैं, जो सीख कभी सदगुरु कबीर ने तत्वाजीवा को दिया था, जो तू चाहे मुझको छाण सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। शिष्यों ने सदगुरु कबीर के विदाई पर आंसू बहाए,
दुख प्रकट किए। साहब ने कहा, फिर मेरा यहाँ रुकना, मेरा रहना तो किसी अर्थ का ना हुआ, किसी मतलब का ना हुआ। जो सीख, जो शिक्षा, जो देशना मैंने तुम्हें दिया है, और तुमने उस शिक्षा के बाद मेरे शरीर में आसक्त हो गए, मेरे शरीर से मोह कर बैठे। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मेरा यहाँ, मेरी यहाँ अनुपस्थिति हो गई। सच तो यह है कि ये कबीर शरीर में नहीं, विचारों में है। और जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो ये मेरा शरीर जा रहा है, मेरे विचार तो हर जगह उपस्थित हैं, मेरे विचार तो हर जगह जिंदा हैं। और ए तत्व जीवा, तेरे भीतर भी अगर मेरे विचार जिंदा हैं तो ये समझना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जो तू चाहे मुझको छाण सकल कियास। मेरी ये शिक्षा है, मेरा ये संदेश है कि अगर तू सच में मुझे चाहता है तो जो मैंने कहा है, जो विचार मैंने दिया है, उन विचारों को आत्मसात करना, संसार के बंधनों से अपने आप को अलग कर लेना, माया से अपने आप को अलग कर लेना, तमाम आसक्ति, तमाम विकारों से अपने आप को अलग कर लेना, तमाम बुराइयों से अपने आप को अलग कर लेना, संसार की चाहनाओं से अपने को अलग कर लेना। और जिस दिन तुमने सबकी बाहर की जो भी आशाएं हैं उसका त्याग कर दिया, तो क्या होगा कि फिर मुझे ही ऐसा होए रहो, फिर तुम मेरे जैसा होकर रहने लगोगे। फिर जो अवस्था मेरी है, निष्काम पूर्वक मैं जी रहा हूँ, यही निष्कामता तुझ में आ जाएगी। फिर सब सुख तेरे पास, जो निष्काम है, जो निष्कपट है, जो निश्चल है, जो निर्मल है, उसी के पास सारा सुख है, सारी शांति है। तो ऐसे महानतम संत जगत में होते हैं, वो भी हमारे आपकी तरह भोजन करते हैं, लेकिन उनके भोजन में भी कोई आसक्ति नहीं होती, कोई फरमाइश नहीं होती, कोई आकर्षण नहीं होता। सादा सुपाच्य ताज़ा आहार मिल जाए ठीक है, नहीं मिला आनंद में है, मिल गया धन्यवाद है, धन्यवाद है, नहीं मिला कोई पीड़ा नहीं है। लोगों के बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं, समाज की सेवा में संलग्न हैं, लेकिन उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है कि नहीं किया तो सिर दुख रहा है। जैसे संसार में लोग होते हैं, रोज अपने जीवन को उलझा लेते हैं, एक बोझ सा बना लेते हैं कि हमको इतना करना है, इतना बिजनेस करना है, खेती करना है, सारे कार्य निपटाने हैं, और पूरा समय, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा हम उसी में लगा देते हैं। स्वयं के चिंतन में, सदचिंतन में, सद्गुणों के विकास में हम समय ही नहीं देते, धर्म को धारण करने में हम समय ही नहीं देते, सेवा भक्ति के लिए हम समय नहीं देते हैं, तो हम पूरा समय उसी में लगा देते हैं। लेकिन जब संत होते हैं, वो समाज सेवा भी करते हैं इस भाव से कि बस ये मेरा धर्म है, फर्ज है, अनासक्त भाव से करते हैं, उसके बदले कुछ कामना नहीं करते, उसके बदले कोई चाह नहीं करते। तो ऐसे संत इसी जगत में रहते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं, संसाधनों के साथ जीते हैं, लेकिन उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। और ऐसे संत जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, जिनका कोई लगाव नहीं है सांसारिक वस्तुओं से, वो निर्माणी हैं, वो हैं, सब कुछ उन्हें मिला है तो ठीक है, गाड़ी मिल गई तो गाड़ी में चढ़ लिए, पैदल चलना हुआ तो सम्राट की तरह पैदल भी चल लिए, कोई क्षोभ नहीं है कि वो गाड़ी नहीं है, पैदल कैसे चलूं, चटाई पर सोना पड़ गया आनंद से सो लिए, कोई डनलप का गद्दा दे दिया वहाँ भी निष्काम भाव से सो लिए। ना उसके प्रति आसक्ति है, ना तो उसके प्रति क्षोभ है कि ये मुझे क्यों दे दिया, मन निष्काम है, निर्माणी है। तो ऐसे महानतम संत आज के दिन प्रत्यक्ष रूप से इस जगत से महायात्रा के लिए निकल गए, अंतिम यात्रा जो शरीर की अंतिम यात्रा थी। बाकी उनके साधना की, उनके जीवन की, उनके कर्मों की यात्रा तो अनंत है, उनके विचारों की यात्रा तो अनंत है। 26 सितंबर 2012 को उनका ये भौतिक शरीर तो विराम हो गया, लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो अनंत काल तक प्रवाहमान है। उनके विचार लोगों के दिलों में सदा जागृत रहेंगे, उनका जीवन दर्शन सदा लोगों के बीच जागृत रहेंगे। ऐसे संत अमर हो जाते हैं, वे फिर मरते नहीं हैं, शरीर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जिस हेतु से उन्हें शरीर मिला था, मोक्ष की साधना के लिए, सत्य की साधना के लिए,
मुक्ति के लिए वो काम अपने शरीर से वो कर ले जाते हैं, और शरीर का विराम हो जाना उनके जीवन का विराम नहीं है। शरीर का रुक जाना उनके जीवन का रुक जाना नहीं है। उनके विचार, उनके आदर्श, उनका जीवन दर्शन अनंत काल तक निरंतर प्रवाहित होते रहता है, और जनमानस में वो विचार जहाँ जहाँ जाता है उनके रूप में हर जगह हुए जिंदा होते हैं। उन विचारों के रूप में वो सदैव अमर होते हैं। तो आज उनका प्रत्यक्ष उपस्थिति तो नहीं है, उनकी उपस्थिति तो नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से आज वो सबके हृदय में है। जहाँ जहाँ तक उनके विचार पहुँचे हैं, जहाँ जहाँ उनके जीवन दर्शन की झलक पहुँची है, जहाँ तक उनकी साधना की खुशबू पहुँची है, वहाँ वहाँ वे लोगों के हृदय में उसी रूप में जिंदा हैं। और सच तो ये है कि अमरता का रहस्य भी यही है। शरीर से कोई अमर ना हो सका, ना हो पाएगा, लेकिन जिसने अपने जीवन को साधनामय बना लिया, निष्काम पूर्वक जीवन की यात्रा को पूरा कर लिया, शरीर की यात्रा को पूरा कर लिया, वो फिर अमर हो गया। फिर वो इस धरती पर सदैव जिंदा रहते हैं, फिर उनका मिटना असंभव है। जब तक मनुष्यता का अस्तित्व है, जब तक सृष्टि का आधार है, अस्तित्व है, तब तक के लिए वे अमर हो जाते हैं। सूर्य चांद की भांति, तारों की भांति, मिट्टी पानी आग हवा की भांति, और वे विचार निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। वे विचार निरंतर विराट रूप धारण करते चले जाते हैं, और एक आध्यात्मिक क्रांति बनकर निरंतर आने वाली पीढ़ियों में दर आने वाली पीढ़ियां अनंत युगों तक उनके वे क्रांतिकारी आध्यात्मिक विचार लोगों के लिए प्रेरणा बनते चले जाते हैं, लोगों के लिए आदर्श बनते चले जाते हैं। इसलिए ऐसे महानतम संत जिनके सानिध्य का लाभ जिन्हें मिला, निश्चय ही वे सौभाग्यशाली रहे। और इस क्रम में मेरा भी जीवन का धन्य भाग था, मैं भी अत्यंत सौभाग्यशाली था जो मुझे कम उम्र में ही ऐसे महान संत के, ऐसे महान सद्गुरु के दर्शन का, सेवा का, सानिध्य का लाभ मिला। 7 वर्ष की अवस्था में उनसे दीक्षा मिली, 13 वर्ष की अवस्था में मैं उनके चरणों में, उनके सानिध्य में समर्पित हो गया, और उसके बाद से लेकर 2012 तक किसी न किसी भांति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके सानिध्य लाभ मिलता रहा। और अब जबकि वे प्रत्यक्ष नहीं हैं, तो उनके विचार, उनके द्वारा कही गई बातें हम सब के जीवन के लिए एक आधार है, संबल है। क्योंकि ऐसे महानतम संत अपनी साधना से, अपनी तपस्या से वे सारे साधना के सूत्र इकट्ठे कर लेते हैं जो अत्यंत कीमती होते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वे ये संदेश देकर गए कि इस भागम भाग, इस व्यस्ततम जगत में हमारा उद्देश्य हमें याद रहना चाहिए। ये माया तो प्रबल है, कदम कदम पर हमें लुभा देती है कि नहीं, ये धन अच्छा है, ये परिवार अच्छा है, ये भौतिक दुनिया अच्छी है, पर सच तो ये है कि जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी, ये बाहर की दुनिया, ये बाहर का दौलत एक कदम भी साथ ना दे सकेंगे। ऐसे महान संत हमें ये इंगित करते हैं, खड़े होकर हमें जागृत करते हैं कि उठो, जागो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधता, उठो जागो, प्रयास करो, स्वयं को उपलब्ध हो, रुको नहीं, थको नहीं, उठो। जिस संसार को तुम देख करके आसक्त हो रहे हो, जिस संसार को ही तुम सब कुछ मान रहे हो, वो क्षण भर के लिए है। जैसे स्वप्न में हम राजा बन जाते हैं, कभी हम धनपति बन जाते हैं, कभी दरिद्र बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है हम वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। यही इस मायावी दुनिया का रहस्य है कि जब तक हमारा मन माया में है, संसार में है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अस्थाई लगता है। इस शरीर अस्थाई मालूम पड़ता है, संसार अस्थाई मालूम पड़ता है, घर धन परिवार रिश्ते नाते संबंध सब कुछ अस्थाई मालूम पड़ता है। लेकिन जिस घड़ी मृत्यु सामने खड़ी होती है, ये शरीर, शरीर के सारे संबंध, सारे रिश्ते, सारे नाते, घर धन, सब
स्वाहा हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं, साहब कहते हैं कि शरीर में रहकर जो तुम साधना कर जाते हो, जो तुम तपस्या कर जाते हो, जो तुम आत्म कल्याण का काम कर जाते हो, जो तुम स्वयं का उद्धार का काम कर जाते हो, यही पूंजी तुम्हें सदा साथ देती है, यही दौलत तुम्हारा साथ देती है, बाकी सब छूट जाता है। जो अधर्म तुम करते हो, जो पाप तुम करते हो, वो भी तुम्हारा साथ देता है, और जो पाप तुम कमा लेते हो उससे फिर तुम्हारे जीवन में वो संकट, वो भयंकर दारिद्र उत्पन्न होता है, जो आज तो तुम्हें दुख देता ही है, अगले जन्म जन्म तक तुम दुखी होते हो, पीड़ित होते हो। इसलिए कोशिश करें कि शरीर पाने का सही अर्थ समझ सकें। ऐसे महानतम संतों के विचारों को सुनकर हम निश्चय ही इस शरीर के अर्थ को समझ सकते हैं, प्रयोजन को समझ सकते हैं। आज इस भौतिक दुनिया में बड़े बड़े सफलतम लोग हैं जो भौतिक उपलब्धियों के शिखर पर हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होगा कि आंखें बंद होगी वो भौतिक उपलब्धियां क्षण भर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। इस संसार में सफल वो है जो भक्ति की दौलत को पाया है, जिसने सत्य की दौलत को पाया है, जिसने धर्म के, सेवा के, प्रेम के, करुणा के, अहिंसा के धन को पाया है, जो इस भक्ति के धन के शिखर पर खड़ा हो गया, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसका कुछ मिट भी नहीं सकता। बाहर की सारी संपत्तियां बांटी जा सकती है, बांट ली जाती है, और फिर बचता कुछ भी नहीं है, हम कोरा के कोरा रह जाते हैं, लेकिन सद्गुरु संत की कृपा से, उनके सानिध्य से, अपने तप श्रम परिश्रम और भक्ति से जो हम सत्य का दौलत पाते हैं, सत्संग धर्म अध्यात्म का धन पाते हैं, ये ऐसा धन है, ऐसा शाश्वत धन है जो सदा हमारे साथ होता है। इसलिए संत कहते हैं कि भौतिक उपलब्धियां पाओ कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना कि उस भौतिक उपलब्धियों के पाने के साथ साथ अपने भीतर के धन को भी खोजना, अपने भीतर उस सत्य के धन को जागृत करना, उस प्रेम के धन को जागृत करना जो तुम्हारा सच्चा साथी है, उसे मत भूल जाना, वरना आंख बंद होते ही अपने भी भूल जाएंगे, वे भी तुम्हें जला देंगे और फिर बचेगा कुछ नहीं। इस अनंत जगत में, इस अनंत काल में अस्तित्व कुछ भी न बचेगा, लेकिन यदि भक्ति कर लिए गए, सेवा कर गए, तो इस अनंत काल के जगत में लाखों वर्ष के बाद भी तुम याद किए जाओगे, स्मरण किए जाओगे, तुम प्रेरणा बने रहोगे। इसलिए पुनः मैं ऐसे महानतम सिद्ध संत साधक सद्गुरु को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र सत सत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ऐसे महानतम संत के विचारों को याद करके यह संकल्पित होने की आवश्यकता है कि हम निरंतर उस पथ पर चल सकें जो न्याय का पथ है, जो प्रेम का पथ है, जो सत्य का पथ है, जो करुणा का पथ है। और जब हम इस पथ पर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो धीरे 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 शरीर में रहते रहते ही हम मुक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं, और वो मोक्ष बड़ा सरल भी है, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि हमारा मन माया के गुलाम बन जाता है, और फिर हम स्वयं मन के गुलाम बन जाते हैं। इस वजह से जो मुक्ति बहुत ही सरल है, जो मोक्ष बड़ा सरल है, जो धर्म का पथ सरल है, वो हमें कठिन लगने लगता है। माया इतनी विसंगतियां पैदा कर देती है, इतने चकाचौंध पैदा कर देती है, इतने ऐश्वर्य का छलावा पैदा कर देती है कि ये मन उसी में रम जाता है, उसी में रच पच जाता है, और जीव उसके गुलाम होने के कारण सत्य के प्रति देख नहीं पाता। इसलिए बड़ी ज़रूरत है, बड़ी आवश्यकता है कि हम आज ऐसे महानतम संत के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक बार हम अपनी ओर निहार सकें, हम स्वयं की ओर देख सकें कि इतनी आयु निकलने के बाद शरीर की आयु धीरे धीरे घट रही है, हम निरंतर मौत के निकट पहुंच रहे हैं। हमें यह सोचना है कि इतने
मृत्यु के निकट तो आ रहे हैं, लेकिन हम आज तक किए क्या हैं? ऐसे संतों के विचार को सुन करके, उनके सानिध्य का लाभ लेकर के हमने जीवन में क्या बदला है? हमारे भीतर कौन सा परिवर्तन आया है? हमारे भीतर कौन सा बदलाव आया है? अगर नहीं आया तो अब तक हम अपने जीवन को व्यर्थ ही जी रहे थे। हमें बदलाव की आवश्यकता है, हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें अपने भीतर निश्चय ही बदलाव करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। और जब हम सच्चे अर्थों में जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे सत्य की ओर, हम अपने जीवन की दिशा को मोड़ पाएंगे अध्यात्म की ओर, तो शरीर पाने का सही प्रयोजन होगा, सही अर्थ होगा। और ऐसे महान संत के परिनिर्वाण दिवस पर यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके चरणों में जो श्रद्धांजलि अर्पित करें, उससे हमारे जीवन में, उससे हमारे हृदय में वो भक्ति, वो प्रेम जागृत हो सके, वो साधना जागृत हो सके, जो हमें सदा मोक्ष की ओर ले जाए, जो हमें सदा परम शांति की ओर ले जाए। बस